कमीशन पे यहाँ पे पहुंचे थे, उन्होंने शाहीन एंटरप्राइज के पास न्यूज आई थी कि वो कौशिक हमें दो नंबर का भेज रहे हैं। तो वो ढूंढते ढूंढते हमें कौशिक तो मिल गया, लगभग 60-70 केसेस मिले। तो लेकिन उसके साथ साथ हमें 48 जो ऑल ओवर इंडिया में बैंड है वो भी यहाँ पे बड़े सारे ड्रम्स मिल रहे हैं। अभी पता नहीं क्या क्या मिलेगा, अभी हम देख रहे हैं इसको। ये देखिए 48 है जो उनका इंडिया ने बैंड किया हुआ है। अनफॉर्चुनेटली ये अभी भी भेज रहे हैं, इनकी बड़ी सारी शिकायतें पहले से आ रही थी। तो लेकिन आज हम ऐसे इन्फॉर्मेशन मिल गया कि हाँ जी यहाँ पे उनके गोडाउन है, लेकिन ये मान नहीं रहे थे कि हमारे गोडाउन है। तो लेकिन जब हमने कहा कि हम उसका ताला तोड़ेंगे या रजिस्टर को बुलाएंगे तो हमने खरीद दिया, हमने बोला कि हाँ जी ये मेरा गोडाउन है। अब यहाँ पे बड़े परेशान है हम, बड़ी बुरी हालत है यहाँ। ये सारे ड्रम किसी के भरे हुए हैं, 48 के भरे हुए हैं तो। और ये जो वाला पोशक हमें शोपियां से कुलगाम से इन्फॉर्मेशन आ रही थी कि दो नंबर का मिल रहा है, ये यूज किया जाता है इसका है कृषि रसायन का। बट अनफॉर्चुनेटली ये जो आप देख रहे हो सामने बिल्कुल डुप्लीकेट कॉपी है, ये सारा दो नंबर का है, सारा डुप्लीकेट कॉपी है। ये बिल भी प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे और जो इसका बारकोड है वो भी स्कैन नहीं हो रहा। तो ये वाला जो कंपनी से बात हुई तो वो कह रहे हैं कि ये 555 बैच इस साल हमने लाया ही नहीं है। तो इनके पास पता नहीं कहां से आ गया, यही जानते हैं। तो ये हम सारा सीज करने जा रहे हैं, मेरी टीम मेरे साथ है सारी इस टाइम, कुलगाम शोपियां से इन्होंने सारी लीड लेके यहां पे पहुंचे हम। तो ये वाली चीजें हमें यहां पे सीज कर। सर इसकी प्रेजेंट लोकेशन क्या है? अभी ये तो वामा स्टेट बैंक के पीछे इनका गोडाउन है। ये चार दुकानें और थी इनकी, तो ये पहले मान नहीं रहे थे कि हमारा कोई और गोडाउन है, लेकिन हमारे पास इन्फॉर्मेशन थी। हमने सोचा था कि हम स्ट्राइक ही टाइम करेंगे जब हमें वहां से कुछ मिलेगा। तो आज हमें लीड मिला था कि यहाँ पे पोशेक है, हम पोशेक के लिए आए थे। तो लेकिन हमें यहाँ से 48 भी मिला, तो जो कि बिल्कुल बैंड आइटम। तो इसके खिलाफ एक्शन की जाएगी, तो एज पर रहा होगा स्ट्रिक्ट एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट द वायलेटर्स। ओके, शाहीन एंटरप्राइज पुलवामा का गोडाउन है, तो उसमें हम। ओके थैंक यू सर। सर ये कोई बंदर ये कह रहा है यार ये 48 और भी है यहाँ पे यार। ये तो सर किसने बना यार ये लो 48 सारा पूरी निकाल के बताओ 48 कौन कौन सा है, यहाँ तो मर जाएंगे अंदर हम। ये है ना 48 सर। कौन सा? ये ड्रम है ना, यहाँ ड्रम 48 है। हाँ जी मन से ध्यान ये कौन सा धोखा? ये धोखा है और धोखा लगेगा फार्मर को, डीलर को कहाँ धोखा लगेगा? डीलर को सब कुछ पता है क्या खराब है क्या ठीक है। हमने तो सर बिल किया था। अरे कहाँ, इतना सारा माल आपके पास पड़ा हुआ है, आपसे ही मेरे को कंप्लेंट्स आई, आपके मेरे को ऑडियो आए, तब मैं आपके यहाँ पहुंचा। पुराना मकान है सर। बिल बिल है इसका ना? हाँ सर, हाँ सर इसका बिल है। मैं
क्या कार्रवाई अंजाम दी गई आज? बेसिकली हमें दो तीन दिन से बड़ी सारी कंप्लेंट्स आ रही थी फार्मिंग कम्युनिटी से कि यहाँ पे एक प्रोडक्ट आता है कृषि रसायन का पोषक कि वो डुप्लीकेट आ रहा है। हम भी बड़े परेशान थे, हम ढूंढ रहे थे, काफी सारे सोर्स लगाए थे। इन फार्मर्स ने कहा कि बिल्कुल पानी के साथ मिला के पानी रहता है, जबकि दूसरा वाला प्रोडक्ट जो ओरिजिनल है उसका ग्रीनिश कलर का हो जाता है। तो आप लोग क्या काम कर रहे हो? हम काफी टाइम से पीछे पड़े हुए थे इसके और हमने सोर्स लगाए थे। तो आज हमें एक लीड मिली जिससे काफी सारे लोगों ने बोला कि हमें ये पुलवामा से आता है। तो आज मेरे इंस्पेक्टर डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से वो सवेरे 7 बजे से इस बात पे लगे हुए हैं, पूरा पहले सोर्स के थ्रू पता करवा लिया कि कहाँ कहाँ पे मटेरियल है। जिनका नाम आया था शाहीन एंटरप्राइजेस पुलवामा, वही सबको सप्लाई कर रहे हैं। तो आज सुबह से नस्ती पीछे थे और आज हमने वहां पे छापा मारा, उनके गोडाउन देखे। पहले तो उन्होंने इनकार कर दिया कि हमारे गोडाउन नहीं है। जब हमने उनको कहा कि हम इसको खोलने वाले हैं तो उन्होंने कहा हम खोलते हैं। तो जैसे हमने वहां पे खोला तो एक दो हमें पोषक की काफी मिला, वहां पे लगभग 33-34 केसेस मिले पोषक के, जो लगभग वो 3400 लीटर है और एक लीटर की कीमत लगभग 2000 है। तो उसके साथ साथ में हमें वहां पे अंदर से 4-8 मिला, वो 15-16 ड्रम्स हैं 50 kg के, वो बैंड आइटम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। 3 बॉक्सेस हमें सेल्फास के मिले, वो भी बैंड आइटम है। तो ये काफी टाइम से हमें मिल नहीं रहा था क्योंकि इन्होंने वाले डिस्क्लोज नहीं करे थे ये वाले गोडाउन। तो लेकिन हमारे सोर्सेज के अकॉर्डिंग हमें पता चला कि गोडाउन कहाँ थे। आज हमने वहां पर छापेमारी की, फुल टीम जो मेरे साथ डिफेंस इंस्पेक्टर्स साउथ के, तो आज हमने ये सारा सीजर कर लिया। तो सर आखिर में यही बात आती है कि आखिर इसको वैली में आने क्यों नहीं, क्यों दिया जाता है ऐसी अद्वियात को जिससे बाघ मालिकों को नुकसान हो सकता है, तो इसके लिए क्यों मुतहरिक टीम नहीं होती है? नहीं, टीम तो अपना काम करे जा रही है टाइम टू टाइम, क्योंकि इतनी सारी गाड़ियां बाहर से आ रही हैं तो आप कैसे चेक कर पाओगे? तो लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ फार्मिंग कम्युनिटी से भी, मैं टाइम टू टाइम उनको बोलता हूँ कि आप जब भी कोई प्रोडक्ट लेते हैं आप एक GST वाला बिल लें जिसपे आप अपना डैश नंबर मेंशन हो, जिसपे अपना मैन्युफैक्चरिंग डेट एक्सपायरी डेट मेंशन हो, उसमें ये दो नंबर नहीं बेच सकते, डुप्लीकेट माल नहीं बेच सकते। वही वाला माल बेचेंगे जो बिल्कुल सोर्स के थ्रू आया होगा। लेकिन फार्मर्स की बात रहती है कि वो उस पर बिल नहीं लेते हैं, तो कल कोई प्रॉब्लम आती है तो ये डिनाई कर लेते हैं कि हमने दिया ही नहीं है। जैसे कि हमें इसमें भी प्रॉब्लम आई थी, काफी सारे फार्मर्स ने कहा कि हाँ जी हमने लाया हुआ, तो उन्होंने बिल के लिए बोला, इन्होंने कहा हम तो बिल देते नहीं, हमें तो बेचा ही नहीं। लेकिन आज हमें इनके गोडाउन से मिला, जब हमने देखा तो उनको बिल बोला प्रोड्यूस करने के लिए, बिल प्रोड्यूस नहीं कर पाए। तो इसका